नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है शनिवार का दिन और आज दोनों भी बच्चे घर पे हैं। गए नहीं, हाफ डे था आज स्कूल का, तो आज गए नहीं दोनों भी। सुबह उठने को नहीं करते वे लोग, तो अभी उठे हैं। रीति उठ चुकी है, मैं भी ये दूध उबाल रही हूँ रीति को दूध चोकोस देने के लिए। श्लोक अब भी उठा है लेकिन उसने ब्रश नहीं किया लगता अभी तक। देखती हूँ मैं उसको पूछ के। ब्रश हो गया? हाँ, ब्रश किया क्या? नहीं, ब्रश नहीं करना है। नहीं, क्यों? बाद में कर। अभी क्या है? बहुत थक गया क्या? हाँ, सोचो के थक गया। देरी हूँ ना, हो गया दूध उबल गया। नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नहीं, इसको तो मैनर्स नहीं है, गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ नहीं बोलता। लाइक बस लाइक कमेंट ही करता, जब ऐसे लाइक कर देंगे। वैसे कुछ काम तो कर लाइक करने लायक। क्या गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी ब्रश कर। नहीं, मैं दूंगी नहीं खाने को कुछ। देखो उसने तकिया फेंका अभी। उठा तकिया, तकिया चल के रहेंगे क्या? उठा ये फ्लावर पर उठा। मैं भी चल के आ गया। जल्दी उठा, ये घर में रह रहे तो सर दुखता मेरा वाला। ठीक है, मैं भी चाय नहीं पीऊँ, मैं भी चाय पीती हूँ। झाड़ू पोछा हो गया है मेरा, आज बच्चों को नहलाना है, दोनों बच्चों को। नहाते नहीं है लोग स्कूल जाते हैं तो। वैसे भी मैं सुन रही हूँ, नहाते नहीं हो? नहाते नहीं हो बिल्कुल। मैं नहाती हूँ। तो आज ये लोग का नहाने वाला दिवस है, नहाने का दिवस। नहाते नहीं है क्योंकि लोग। तो रिद्धि गई है नहाने के लिए, मतलब नहा लिए, नहा रही है वो। और इधर कुछ लोग अभी दूध चोकोस खा रहा है। तो वहाँ से आया है ऑर्डर कि कुछ बनाओ करके, भूख लगी है, और वो भी आलू के पराठे बनाओ। तो मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। घर के आलू है, ये देखिए, ये जो ऊपर में रखे है ये घर के आलू है, और ये प्याज हरी। तो रिद्धि के चाची का फोन था, उनका उसने इडली बनाई है तो वो इडली भेजने वाली है। तो मैं आलू के पराठे अभी नहीं बनाती हूँ क्योंकि इडली हैवी रहती है, आलू के पराठे भी हैवी रहते हैं। आलू के पराठे गर्म अच्छे लगते हैं। देखेंगे कुछ और बनाएंगे, कढ़ी चावल खा लेंगे आज, दही लेके आना पड़ेगा। तो मैं अभी आलू पराठा कैंसिल करती हूँ क्योंकि अभी हम खाने वाली इडली। रिद्धि का हो गया नहाना, श्लोक को नहलाती हूँ और भेजती हूँ चाची के घर पर। ठीक है गाइस, अभी मम्मी भूत बनी है, चलो दिखाते। ये मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर और गुलाब जल का मम्मी पेस्ट पिंपल्स के लिए लगा रही हूँ मैं। मम्मी जा रहा मैं। बच्चों का नहाना हो गया है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। उसके 10 मिनट पहले लगाती हूँ ये कपड़े, धोती सूख जाएगा। तो मैं आपको नहाने के बाद मिलती हूँ। कैसा लग रहा है कल? दो घंटे बाद अभी मिलेंगे। दो घंटे बाद नहीं, 2 घंटा थोड़ा लगेगा। हाँ। मैं। तो मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। देखो स्किन पे तो कुछ फर्क दिखेगा नहीं अभी एक बार में, मुल्तानी मिट्टी का इसको हफ्ते में एक बार तो भी लगाना चाहिए, लेकिन मैं 5-5-6 महीने में एक बार लगाती, वो भी याद आया तो। कल संगीत क्लास में फंक्शन है इसलिए मैंने आज लगाई, थोड़ा बैठ जाए करके, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा। खैर अभी मुझे लगी भूख, मैं खाती हूँ इडली जो उसकी चाची ने भेजी है। मैंने खाना नहीं बनाया कुछ भी क्योंकि बच्चे भी इडली खाए हैं। कुकर करके रखी हूँ दाल चावल का, अभी सब्जी बनना बाकी है और सब्जी डिसाइड ही नहीं हो पा रही है।
क्या बनाना, तो बताती हूँ मैं आपको सब्जी वब्जी जब बनाने जाऊँगी तो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं नाश्ता करती हूँ। तो अभी डिसाइड हो गया है क्या बनाना है। मम्मी बोल रही थी कि मेथी बनाओ, बोल रही है कि मेथी बनाओ, मैं मेथी काटी हूँ। मेथी में एक बैगन डालने बोली है, फोन आ रहा है, बच्चे देखो क्या कर रहे हैं। वाह, ये क्या बना रही है दीदी? व्हाइट कलर। क्या ये को साउंड भी नहीं आ रहा हूँ? क्या दीदी व्हाइट? ये दरवाजा बादल पे। श्लोक क्या बना रहा है? व्हाइट कलर मांग रहा हूँ। क्या बना क्या रहा? यहाँ पे चांद बना ले। चांद बना ले हाँ, और यहाँ पे झूला ऐसा, और यहाँ पे लड़की झूला लड़की। पहले लड़की और झूला झूला बना ले तू, पहले व्हाइट कलर। चलो कुछ तो कर रहा है भैया, है ना? लास्ट में देखते हैं क्या बनता, लास्ट में देखते हैं क्या बनता बोल रहा। चलो अच्छा, चलो अच्छी बात है, कुछ तो बना है वो अपनी बहन के साथ में रह के, है ना। मैं खाना बनाती हूँ क्योंकि ये लोग पेंटिंग करेंगे। गाइस अभी मैंने पेंटिंग बना लिया, उधर ये बना लिया मैंने, ये मैंने ही बनाया, दीदी ने कुछ नहीं बनाई। ये लड़की मैंने बना कर दी और उसे कुछ कचड़ कर देती है। ये देखो पूरा मैंने बनाया, दीदी का देखते हैं। दीदी आपने क्या बनाया? मैंने बनाया अंदर रख के भी आ गई। चलो ये देखो, खाना होने के बाद भी ये लोग देखो क्या खा रहे हैं, क्योंकि पेट भरा होगा। क्या यार मम्मी, और ये नाड़े वाले बाबा है ना, ये इसी ने लेकर आया, बहुत खाता है बोनविटा सूखा। सबसे पहले हाथ उठाने की भूख तब लगेगी जब पेट भरा होगा। ताकत आती है, बहुत ताकत है, देखी मैंने। इसको ताकत बोलते हैं? मारे बिना चिपक जाएगा दीवार में मचा का मन। तो अभी 4 बजे की ट्यूशन है, उनको छोड़ के आती हूँ मैं ट्यूशन, लेट ना तो मिलता नहीं है। आंसर है बोली ना जूली अंडे लुका लुकोरिंग ये जाने वाला है अभी ट्यूशन, इसको मैं तैयार कर रही हूं। मैं नहीं, और कौन भी आने वाला है? और कौन आने वाला है? दीदी बैग टांग लिया है, तैयार नहीं हुआ है, बैग टांग लिया है, नाड़ा लटक रहा है चीज, ये देखो। चल खड़े हो, नाड़ा कैमरा से भी बड़ा गया नाड़ा, देखो। अब पगले है क्या, कैमरे से बड़ा नाड़ा बोलता है? खड़े बैग रख दिया करना डुगो। मैं नहीं रखूंगा, कभी रखूंगा मैं, दूर हो ना पास में। बोलते दूर पास में, अरे कैमरे से दूर रहे, मेरे पास आ। अच्छा इसको ऐसे उसको ऊपर कर, लोग भी तो देखने लायक है। ये कौन चुड़ैल बैठी है क्या झूले पे?
ये दीदी बनाई है। बाबू ये हॉरर लग रही है एकदम, हॉरर ये पेंटिंग है ना, हॉरर पेंटिंग लग रही है। दीदी ने बनाई है ये लड़की। ये लड़की तूने बनाई है? पूरा कोट डाला। ये लड़की कौन बनाया? लड़की मैंने बनाई है, पर उसने पूरा घोट डाला लड़की को और उसके ऊपर काला पेंट कर दिया। इतनी अच्छी लड़की बनाई थी मैंने। ये देखो हॉरर पेंटिंग इसकी वाली लोग, कैसी है? बहुत गंदी है। घर के पास एक ऐसे फेरी वाली रहती है ना, वो आई है गाउन बेचने के लिए। मैं और मम्मी गाउन पहनते हैं रात में, मैं तो दिन में भी पहनती हूँ। देखते गाउन अच्छे लगे, कलर अच्छे दिखाती हूँ आपको भी गाउन। हाँ तो ये है वो दीदी जो गाउन बेच रही है। पुली आंटी ले रही है, पहनती तो है नहीं पुली आंटी, ले रहे लेकिन गाउन ले ले ली बाबा। अरे वादी का दिखाओ, दिखाओ कैमरे में दिखाओ, ऐसे दिखाओ क्या गा? हां ये वाला ली। अरे उल्टा दिखा रहे जी, अभी क्या औरत है वो भाई ये? हां सीधा दिख से। अरे मम्मी एक नंबर, मम्मी आप भी लो ना जी, दिखाओ जी घर को डाक दो। तो मम्मी 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 ये रेड वाला लो, ये आपके लायक, इसमें चेन भी नहीं है। नहीं थ्री फोर्थ स्लीव्स है उसकी। ओके ये अच्छा लगा मेरे को, साइकिल भी सबसे नीचे नहीं है पेन। नीचे वाला है ना, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये ब्लू एसवीडी, ये वाला ऐसे ये मुझे पसंद है। ये कॉटन का 350 बोले इन्होंने, लेकिन कम करूंगी बोले 300 में दे दूंगी। चॉकलेट दो का दाखवा, मला पण दाखवा। रेड वाली पेटी। अरे लोना जी मैं भी बंद कर दी ना वो भाई, कभी कभार घालते उस दिन घाल के मी काय पण घालतो, अच्छी लग रही है। अरे अम्मा लोरा खुद पहनते हो सीटी के पीछे, मतलब खुद भी ले लो, खुद भी लपेट लो। अरे वाह खुद भी नहीं आना नहीं आ रहा पसंद, ठीक है। मी जेवण एक ही टाइम करतो पण खूप करतो, खूप म्हणजे जी अंगाच्या वरत करते जेवण। दोन क्या बोलते दो टाइम गए की बाद में खाते, ठीक है। तू ले रही क्या बेचक वो गाउन ली एक? अच्छा। अभी अभी तो गाउन नहीं पहन रही ना, अभी इसके कारण गाउन नहीं पहनते है ना मम्मी। ये अम्मा को एडजस्ट कर रहे बस। ये देखो इसका टब, ये है ना पेटीकोट, ये नाइटी, यही तो है। अदु का और बाबू को आवे हाय बोल भाई, हाय हाय मन, हाय मन ना हेलो हेलो बोल दे। तो मैं संगीत क्लास से अब आज बहुत लेट आई हूँ, 9:30 बजे आई हूँ, क्योंकि कल फंक्शन है संगीत क्लास में, 25वीं वर्षगांठ है संगीत क्लास की कल, तो उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे है सर ने, तो मुझे आज वहाँ से आने में लेट हो गया। मम्मी ने सारा खाना बनाई है, फूल गोभी आलू बटाने की सब्जी बनाई है मम्मी ने और खिचड़ी बनाई है, तो मैं खाना ही खा रही थी, मतलब खाना खाने जा रही हूँ। रिद्धि का खाना हो चुका है लगभग और मम्मी भी खाना ही खा रही है, तो मैं देखो दिखा देती मैं आपको। खिचड़ी और मेरी रोटी ख़त्म होती आ गई है, खिचड़ी और ये फूलगोभी और बटाने की सब्जी और साथ में ही पूड़ा खा रही है मैडम। कल का जो फंक्शन है मैं कोशिश करूंगी कि वो फंक्शन आपको दिखाऊं संगीत क्लास में, क्योंकि पाँच साल से लेके मैं 34 ईयर्स की हूँ, 34 साल के तक लोगों का परफॉर्मेंस है।
20 बच्चे हैं मेरे ख्याल से क्लास में। मेरे को लगता नहीं कि पूरे के पूरे बच्चे प्रेजेंट रहेंगे कल, लेकिन फिर भी मैं सबका एक एक का आपको शॉर्ट शॉर्ट में परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करूँगी। कल एंकरिंग वगैरह भी मैं करने वाली हूँ, तो मुझ पर ज़्यादा प्रेशर रहने वाला है। रिद्धि को मैं कल कैमरा हैंडल करने बोलूँगी। तो कल का फंक्शन देखने के लिए बने रहे मेरे साथ, मिलती हूँ मैं आपको कल, तब तक के लिए बाय।